आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज़, पल पल की खबर। यदि आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो KSN 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन से सीधे और संवाद कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न जिलों के कलेक्टर से इस बारे में बातचीत की। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने स्थानीय स्तर पर कोविड नियंत्रण को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री से प्राप्त मार्गदर्शन को कलेक्टर ने बेहतर बताया। तमाम तरह के संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी सहयोगियों से लेकर अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यहाँ वहाँ की स्थिति पता करने के साथ यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक महामारी की रोकथाम का काम किस हद तक पहुँचा है और संक्रमित मरीजों को ठीक करने की रेटिंग क्या है। इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेक जिलों के कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल को भी इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और फिर बारी बारी से जिला देशों को सुना। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि इस इलाके में कोविड 19 की स्थिति जानी गई, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने काफी अच्छा मार्गदर्शन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। भारत सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का हर हाल में सारी पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी हमने प्रधानमंत्री को दी। कोरबा जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम किए जाने की दिशा में अब तक के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। इसके लिए कंटेनमेंट जोन स्तर पर की गई ट्रेसिंग और सख्त निगरानी जैसे उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों को वैकल्पिक रूप से प्रारंभ कराया गया है। कलेक्टर ने देश के प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले एक पखवाड़े में कोरबा जिले में 25,000 मेडिसिन किट तैयार करने के साथ मरीजों को दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। याद रहे वर्ष 2020 में कोरोना का पहला मरीज कोरबा नगर के रामसागरपारा वार्ड क्रमांक 1 क्षेत्र में मिला था, जबकि कटघोरा छत्तीसगढ़ का पहला कोरोना हॉटस्पॉट बना था, जहां पर 27 से अधिक पॉजिटिव मरीज कुछ ही दिनों में सामने आए थे। कटघोरा के रहमानिया नगर से इनका वास्ता था। इनके चक्कर में काफ़ी समय तक के लिए कटघोरा में आर्थिक गतिविधियाँ बाधित रही और पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन के रूप में चर्चित रहा। जबकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों के बाद कोरबा उन जिलों में शामिल हो गया जहां कोरोना से ज़्यादा मरीज मिले और मौतों का आंकड़ा भी 300 से ज़्यादा चला गया है। वर्तमान में कोरोना की रफ्तार काफ़ी हद तक कमी है और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि और आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इन कारणों से दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ भी व्यवसाय संचालन की अनुमति दी गई है। यह सब बेहतर ढंग से चलता रहे, इसके लिए व्यवसायियों के साथ साथ लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करने की जरूरत है। मैडम, आज पीएम से चर्चा हुई, किस तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं और क्या विशेष चर्चा है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभी ज़िलों के कोरोना में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने कई ज़िलों को सुना है और साथ में उन्होंने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट्स को उन्होंने एड्रेस भी किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देशन था कि हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में जहाँ पर कोरोना का संक्रमण कम है उनको हम लोग कोरोना मुक्त रखें। गाँव में जो कोरोना मुक्त गाँव की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए और जिन एरियाज़ में हाई पॉजिटिविटी है उन एरिया में जो है कंटेनमेंट बेहतर तरीके से किए जाएं तथा पॉजिटिविटी को कम करने का प्रयास किया जाए। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से हेमंत गौतम की रिपोर्ट।